हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे कैनन 1200D कैनन 1200D कैमरा का। तो पीछे से कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, और अगर मैं आपको सामने से और साइड से इसको दिखाऊं तो ऐसा दिखता है। अब आप इस लोगो को देख के कन्फ्यूज़ मत होना, इस कैमरे को अमेरिका में रेबल T5 के नाम से भी जाना जाता है। एग्जैक्टली सेम कैमरा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अमेरिका में इसका ये नाम है और बाकी जगह जैसे यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ पे इसको 1200D के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस लोगों को देख के आप कन्फ्यूज़ मत होना, ये वही 1200D कैमरा ही है। तो अब हम जल्दी से ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। एक ही ड्रॉबैक है, जो इस कैमरे का जो SD कार्ड है वो आपका ये जो नीचे बैटरी है, बैटरी वाले डोर के अंदर पड़ता है। तो उस वजह से अगर आपको SD कार्ड को निकालना है तो आपको कैमरे को ट्राईपोड से हटाना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी के ट्यूटोरियल्स, वीडियोस वगैरह सब कुछ आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इस कैमरे का रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्या इस कैमरे के लिए बेस्ट सेटिंग्स रहेंगी अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ऊपर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये मोड डायल मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, और ये वाला जो डायल है इसी से आप अपनी शटर स्पीड, एपर्चर वगैरह इन सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। और ये आपका हो गया शटर बटन, जिसको आप दबा के फोकसिंग भी करते हैं और फोटो को क्लिक करते हैं। तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप हमेशा या तो M मोड या AV मोड या TV मोड को यूज़ करें अगर आप बेहतरीन फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो ऑटो मोड, ये जो बाकी के आपको प्रीसेट्स मिले हुए हैं, इनको आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा क्या उसको सेटिंग्स रखनी है, आप सेटिंग्स चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फोटोग्राफी में M, AV और TV मोड को आप यूज़ करें अगर आप अच्छे फोटो लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम M मोड की बात करते हैं। तो मैंने कैमरे को डाल दिया M मोड पे, M यानी फुली मैनुअल मोड। इस मोड में हम शटर स्पीड को भी सेट करते हैं और एपर्चर को भी सेट करते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम सेट करते हैं। ISO की वैल्यू को भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ISO को ऑटो ISO पे डाल दिया है तो कैमरा खुद ब खुद जो लाइटिंग चेंज हो रही है उसके हिसाब से ISO की वैल्यू को सेट कर लेगा। फिर हम सिर्फ फोकस करेंगे और हम फोटो को क्लिक कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एपर्चर को कैसे चेंज करना है और शटर स्पीड को कैसे चेंज करना है। तो हम इसकी पीछे स्क्रीन देखते हैं कि इसमें क्या हमारी सेटिंग्स दिख रही है। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपकी शटर स्पीड है 1/50, और ये जो आपकी 4.5 है ये आपकी एपर्चर की वैल्यू दिख रही है। तो अब आपको शटर स्पीड को चेंज करना है, तो ये जो ऊपर में डायल था ये वाला, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी चीज़ें चेंज होगी इसी वाले डायल से घुमा के चेंज होगी, अगर आप वैल्यूज़ को आपको कम ज़्यादा करना है। तो मैं इसको घुमाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, शटर स्पीड की। तो क्योंकि मैं अभी 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप जिस फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं आप कम से कम मिनिमम वैल्यू उतनी रखें, तब आपको एक शार्प फोटो अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो मैं अपनी शटर स्पीड रखता हूँ 1/60, क्योंकि मैं 55 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो 55 के सबसे करीब जो शटर स्पीड है वो 1/60 की है। अब हम बात करते हैं कि एपर्चर की वैल्यू को कैसे चेंज करना है। तो एपर्चर की वैल्यू को फुली मैनुअल मोड में चेंज करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है इसको दबाना होगा, और वो वाला डायल जिससे आपने शटर स्पीड चेंज की थी उसको भी। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, F की वैल्यू अभी चेंज हो रही है। अब F की क्या वैल्यू रखनी है ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। अगर आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप F की वैल्यू जितनी कम रख सकते हैं उतनी कम रखें, और अगर आपको कम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को कम रखेंगे तो कैमरे के अंदर लाइट भी ज़्यादा आएगी, हमें ज़्यादा क्लीन फोटो मिलेगा, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू को कम रखता हूँ। अब आप मेरा ये जो लेंस है, अगर मैं इसको पूरा जूम करूँगा तो मैं F की वैल्यू को 5.6 तक ले जा सकता हूँ, और जब हम 55 mm की फोकल लेंथ पे होते हैं तो तब हमें 5.6 का एपर्चर मिलता है इस वाले किट लेंस के साथ। लेकिन अब अगर मैं इसको
जूम कम कर दूंगा, तो अब देखना आप मैं एपर्चर की वैल्यू को 3.5 तक ले जा सकता हूँ। फिर आपकी तीसरी चीज़ आ जाती है ISO। तो आप देख सकते हैं ISO ऑटो पे है ये, लेकिन अगर आपको ISO कुछ और वैल्यू रखनी है, आपको 100 रखना है, 200 रखना है, या आपको इसको ऑटो पे भी डालना है, तो उसके लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा। आप देख सकते हैं ISO लिखा हुआ है इस पे, हमने इसको दबाया, फिर हम यहाँ से इनमें से कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस कैमरे की जो वैल्यू है 6400 तक जाती है, लेकिन अगर आप इसको ऑटो पे डाल देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि क्या उसको वैल्यू रखनी है ISO की। ठीक है, अब आ जाती है अगली चीज़, फोकस मोड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AI फोकस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको फोकस मोड्स को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा जिस पे AF लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, वन शॉट, AI फोकस और AI सर्वो। वन शॉट में अगर आपने अपने कैमरे को डाला है तो आप एक बार जिस जगह पे फोकसिंग लॉक कर देंगे तो कैमरा दोबारा फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं पे आपका फोकस फिक्स रहेगा। AI सर्वो में कैमरा आपका कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करेगा जहाँ पे आपने उसको लॉक किया है। अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा बहुत मूव अराउंड करता है, आगे पीछे जाता है, तो कैमरा उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा और उसको फोकस में रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इस कैमरे की ट्रैकिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये ऑप्शन इतना अच्छा आपका काम नहीं करता। और जो आपका बीच में ऑप्शन है AI फोकस, तो वो बेसिकली इस मोड और इस मोड में से खुद डिसाइड करता है कैमरा अपना दिमाग लगा के कि ये वाला मोड रखना है या ये वाला मोड रखना है। अगर आपको बेहतरीन फ़ोटो चाहिए, शार्प फोटो चाहिए, तो आप वन शॉट वाले मोड को चूज़ करें। वन शॉट में आपको जिस जगह पे आपने फोकसिंग फिक्स कर दी वहीं पे आपका फोकस रहेगा और बहुत ही आपको शार्प फोटो मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है फोकस पॉइंट। तो इस कैमरे में आपको 9 फोकस पॉइंट्स मिल जाते हैं। फोकस पॉइंट को चेंज करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा। देखिए ये यहाँ पे जो कोने बटन, मैंने इसको दबाया तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे ये आ रहा है। तो अगर आप इसे ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे डाल देंगे तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि क्या इसको फोकस पॉइंट रखना है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कैमरा ही सब कुछ डिसाइड करे, हम चाहते हैं कि हम खुद अपने फोकस को पिक करें, कहाँ पे हमें फोकस रखना है। तो इसलिए अब आप ऊपर वाला ये जो डायल है इसको घुमाएं तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट है येलो कलर की, ये मूव अराउंड कर रही है। तो इन 9 में से कोई सा भी ऑटो फोकस पॉइंट आप पिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इस कोने में, तो आपने इसको रख लिया। अगर आपका इधर है तो आप इस वाले ऑटो फोकस पॉइंट को चूज़ करें। अगर आपका टॉप में है, सेंटर में, तो आप इसको रखें। और अगर आपको फोकसिंग करने में दिक्कत होती है तो आप इसे ऑटोमेटिक पे डाल दें, काफ़ी सिचुएशन में ये ठीक काम करेगा, लेकिन काफ़ी बार ये गलत जगह फोकसिंग भी कर सकता है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें अब सेट कर दी हैं, अब हम फोटो लेते हैं। फोटो लेने के लिए जो ऊपर में ये जो आपका शटर बटन है इसको हमें दबाना होगा, ये वाला जो बटन है। तो आप लोगों को कैसे मैं फोटो ले रहा हूँ वो दिखे, उसके लिए मैं कैमरे का लाइव व्यू ऑन कर देता हूँ। इस कैमरे का लाइव व्यू ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होता है, जिस पे ये रेड कलर की डॉट बनी हुई है कैमरे के बगल से। तो जैसे ही मैंने लाइव व्यू ऑन किया, अब आप देख सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि जो कैमरे की स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस सामने हमारा गिटार रखा हुआ है, अब मैं इस गिटार पे फोकस करता हूँ। मैंने फोकस किया और मेरा फोटो आ गया, और फोटो काफ़ी अच्छा आया है, एकदम करेक्टली एक्सपोज है, कोई भी फोटो में प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सिंपल है मैनुअल मोड में फ़ोटो लेना। अगर आपको लाइव व्यू के थ्रू फोटो नहीं लेना, तो आप ये जो व्यू फाइंडर है इसके ऊपर अपनी आँख लगाएं, ठीक है, उस शटर बटन को दबा के फोकसिंग करें और फोटो क्लिक कर लें। बहुत सिंपल है दोनों सिचुएशन में। लाइव व्यू में आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको भी दिखे कि कैमरे को क्या दिख रहा है। तो मैनुअल मोड में तो ऐसे हो गए आपकी सेटिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं अगले मोड की, फोटोग्राफी के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो अगला मोड है आपका AV। AV को हम बोलते हैं एपर्चर वैल्यू या फिर एपर्चर प्रायरिटी। तो इस केस में हम सिर्फ एपर्चर की वैल्यू को सेट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें कैमरा डिसाइड करेगा। शटर स्पीड इस केस में कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो एपर्चर की वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है
एवी वाले मोड में, तो इस बार हमें इस वाले बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे जो ऊपर में डायल है इसको घुमा सकते हैं। देखिए मैं इस डायल को घुमा रहा हूँ और ये एफ़ की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस बार मैं एफ़ की वैल्यू को 4 रख देता हूँ। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। और मैं ये जो सामने गिटार है इस पर फोकस करता हूँ और देखिए फ़ोटो मेरा बेहतरीन आ गया है। बहुत सिंपल है इस कैमरे से फ़ोटो को लेना गाइस। बाकी की सारी चीज़ें देखिए, ISO है हमारा, इसको हमने ऑटो पे डाला हुआ है, और जो हमारा वन शॉट में फोकस मोड है, और हमने जो ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं इसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे डाला हुआ है। हालांकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, मिडिल में भी रख सकते हैं, जहाँ आपको रखना है वो आपके ऊपर है। अब हम आ जाते हैं अगले मोड में, जिसको कि हम बोलते हैं TV, यानी कि टाइम वैल्यू। तो हमने अब कैमरे को डाल दिया TV मोड पे, टाइम वैल्यू मोड पे। इसको शटर प्रायोरिटी मोड भी कहा जाता है, कुछ कंपनियां इसको शटर प्रायोरिटी बोलती हैं, कैनन के केस में इसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। अगर आप नाइकॉन का कैमरा यूज़ करते हैं तो वो इसको शटर प्रायोरिटी बोलते हैं, सोनी के कैमरे में भी इसको शटर प्रायोरिटी बोला जाता है। तो अब हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है शटर स्पीड की, तो हम ये जो ऊपर में डायल है इससे हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं 1855 वाला लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो कम से कम मैं 1/50 की शटर स्पीड रखूँगा ताकि मुझे एक शार्प फोटो मिल जाए, या फिर 1/60 की। ठीक है, इस केस में अब कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि क्या इसको एपर्चर की वैल्यू को रखना है। तो अब हम फिर से फोकस करते हैं सामने, और आप देख सकते हैं बेहतरीन हमारा फोटो आ गया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, फोटो एकदम क्लियर और शार्प हमारा आ गया है। तो इन तीनों मोड में इस तरीके से हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम जल्दी से जो बाकी की सेटिंग्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहती है फोटोग्राफी में और कैसे उनको चेंज करना है वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे काफ़ी सारी आपको सेटिंग्स मिल जाती है। तो अभी मैं कैमरे को AV मोड में डाल देता हूँ और फिर हम बारी बारी से इन सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब आपको इन पेज पे जो सेटिंग्स है इनको चेंज करना है, तो आप ये वाला क्यू वाला बटन दबा सकते हैं। मैंने क्यू वाला बटन दबाया तो आप देख सकते हैं मैं इन सब ऑप्शंस में नेविगेट कर सकता हूँ। इवन मैं एपर्चर की वैल्यू को भी यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। तो हम सबसे पहले जाते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन पे। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है आपकी। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन से बेसिकली होता यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सारी सेटिंग सही रखी हैं, उसके बावजूद भी आपकी इमेज या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है या बहुत ज़्यादा डार्क आ रही है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप इस एक्सपोजर कॉम्पनसेशन की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इस साइड ले जाएंगे, माइनस की साइड, तो आपकी इमेज थोड़ी डार्क हो जाएगी। तो इसको आपको तब यूज़ करना है जब आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट जा रही है, तो आप इसे नेगेटिव साइड ले जाओ। अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डार्क आ रही है तो आप इसे पॉजिटिव साइड ले जाओ, ताकि आपका एक्सपोजर एकदम करेक्ट हो सके। तो इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस क्यू बटन को दबाओ और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो, और इस तरीके से आप कम ज़्यादा इसकी वैल्यू को कर सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा आसान तरीका है वो ये है कि आप इस वाले बटन को दबाएं, AV+-, ठीक है, और ये जो ऊपर में डायल है इसको घुमाएं, देखिए इस बार ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप उससे चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके पिक्चर स्टाइल पे, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो ये बेसिकली आपके फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम में फिल्टर होते हैं कि आपको इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाना है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रखना है, या थोड़ा फ्लैट रखना है, पोर्ट्रेट में आपकी स्किन टोन अच्छी लगेगी, ये लैंडस्केप वाला हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो आप इसको ऑटो पे डाल दो या फिर स्टैंडर्ड पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इमेज को एडजस्ट करना है तो आप बाद में अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इनको एडिट कर सकते हो। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा आप स्टैंडर्ड पे इसको डाल दो या ऑटो पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आ जाता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस को आप इस वाले बटन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि वाइट बैलेंस आपका एक जो आपकी इमेज में वाइट कलर है उसको वाइट दिखाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके सीन में काफ़ी सारी डिफरेंट लाइटिंग है, कोई पीली लाइट है, कोई नीली लाइट है, तो उस वजह से वाइट कलर वाइट नहीं दिखता।
तो इसलिए आपको इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आप शेड में शूट कर रहे हो तो ये मिल जाता है, क्लाउडी है तो ये, आप येलो लाइट में टंगस्टन लाइट में शूट कर रहे हो तो ये वाला मिल जाएगा, फ्लोरोसेंट लाइट यानी कि आपकी ट्यूब लाइट की वाइट लाइट में शूट कर रहे हो तो ये है, फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन मिल गया। और यहाँ पे आपका कस्टम में आप अपना खुद का वैल्यू सेट कर सकते हो, क्या आपको कलर टेम्परेचर रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको AWB यानी ऑटो पे डाल दो, कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा क्या इसको वाइट बैलेंस रखना है। लेकिन अगर आप एडवांस हो तो आप डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिचुएशन है, जैसे कि इसमें क्लाउडी और ये सब ऑप्शंस आपको दिखे तो इनमें से आप कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपने नया नया कैमरा लिया है, बिगिनर हो, तो इसको AWB यानी ऑटो पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एक्सेस करने का यहाँ से भी तरीका है, आप इसको क्यू को दबाइए और इधर आ जाइए, तो दोनों में से जो आपको सही लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है ऑटो करेक्ट इमेज ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो इमेज है उसमें जो आपके डिफरेंट डार्क एरिया या ब्राइट एरिया है उनको ये बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। तो मैं बेसिकली इस वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको स्टैंडर्ड में डाल दें तो आपकी इमेज में डार्क और ब्राइट एरियाज़ को ये बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। और आपको फिर एक ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अपना ये जो फ्लैश ओपन करना है, कैमरे में जो फ्लैश है आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से सेट करेंगे तो देखिए ये फ्लैश खुल गया। वैसे अगर आपको फ्लैश को ओपन करना है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है जो कि है यहाँ पे, देखिए इस बटन को दबाया और ये फ्लैश ओपन हो गया। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि है हमारा ड्राइव मोड, उसको हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इस वाले बटन से, या फिर हम इधर भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सिंगल शूटिंग करनी है, मल्टीपल कंटिन्यूस शूटिंग करनी है, ठीक है, टाइमर आपको एक्टिवेट करना है या आपको रिमोट वाला टाइमर एक्टिवेट करना है। पहले वाला ऑप्शन आप यूज़ करोगे तो जितनी बार आपने शटर बटन को दबाया उतनी ही फ़ोटो क्लिक होंगी, आपने एक बार दबाया तो एक फ़ोटो क्लिक होगी। कंटिन्यूस में ये है कि इस कैमरे में आपको 3 फ्रेम पर सेकेंड की कंटिन्यूस मोड में शूटिंग मिल जाती है, तो जब तक आप इस शटर बटन को दबाए रखोगे खच 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 कैमरा कंटिन्यूसली फ़ोटो आपकी क्लिक करता रहेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोटो नहीं चाहिए, आपको ऐसा फास्ट एक्शन कैप्चर नहीं करना, तो आप इसको रखें सिंगल वाले पे, ठीक है। फिर आपको ये सेल्फ टाइमर मिल जाता है, अगर आप कैमरे के सामने बैठना चाहते हैं, ट्राइपॉड पे आपने लगाया है, आप टाइमर को ऑन कर दो और 10 सेकंड तक ये बीप करेगा, फिर आपकी इमेज क्लिक हो जाएगी, तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप कैमरे के सामने जाके बैठ सकते हैं अपनी इमेज लेने के लिए। आपको फिर ये 2 सेकंड वाला भी टाइमर मिल जाता है, पहले वाला 10 सेकंड का है, ये 2 सेकंड का है। फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको ये नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आप इसको कम ज़्यादा कर देंगे, सॉरी मैं एक बार निकल गया ऑप्शन से, मैं दोबारा जाता हूँ, तो अगर आप इस वैल्यू को बढ़ा देंगे तो जब आपका कैमरा सेल्फ टाइमर को एक्टिवेट करेगा तो वो 2 इमेजेस क्लिक करेगा, अगर आपने इसको 3 कर दिया तो वो आपकी 3 इमेजेस क्लिक करेगा, और इसमें मैक्सिमम आपको 10 इमेजेस तक का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इमेजेस क्लिक करनी है जब आप इसको सेल्फ टाइमर मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमारा आ जाता है मीटरिंग, मीटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है गाइस। मीटरिंग बेसिकली करता क्या है कि आपके सीन में जो अवेलेबल लाइटिंग है उसको देख के एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार करने की कोशिश करता है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहले वाला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग मीटरिंग, ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन है आपका पार्शियल मीटरिंग, फिर आपका है सेंटर वेटेड एवरेज। तो सेंटर वेटेड एवरेज जैसा कि उसका नाम है, जो आपका सेंटर में जो मेन एरिया है उसमें जो आपकी लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपोजर तैयार करेगा। फिर आपका आ जाता है पार्शियल मीटरिंग, तो ये उस सिचुएशन में यूज़फुल रहेगा, जैसे मान लो आपने किसी इंसान के चेहरे पे फोकस किया है, जिस जगह आपने फोकस किया है उस जगह का एक्सपोजर कैमरा करेक्टली तैयार करने की कोशिश करेगा। फिर आपकी आ जाती है इवेल्युएटिंग मीटरिंग, तो ये बेसिकली आपके सीन में जितनी भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आप लैंडस्केप फ़ोटो ले रहे हो, आपका आसमान हो गया, बादल हो गए, और आपका पानी हो गया, पेड़ हो गए, सन हो गया, इन सारी चीज़ों की लाइटिंग को ये कैलकुलेट करके एक अच्छा एक्सपोजर तैयार करने की कोशिश करता है। पार्शियल आपका तब अच्छा रहेगा कि आप एक पर्टिकुलर जगह फोकस कर रहे हो और आप चाहते हो वो पर्टिकुलर थिंग एकदम करेक्टली एक्सपोज हो, तो उस चीज़ के ऊपर जहाँ पे आपने फोकस किया है जो लाइट पड़ रही है
उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपोजर तैयार होगा। ये पहले वाला आपका लैंडस्केप फ़ोटोज़ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये सेंटर वेटेड, जब आपके मेन चीज़ें आपकी सेंटर में है तो तब आप इसको यूज़ करें। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाला इनमें से मीटरिंग बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं। फिर आपका आ जाता है ये लास्ट वाला ऑप्शन, जिसमें कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको रॉ में शूट करना है, जेपेग में शूट करना है, या कौन सा शूट करना है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रॉ में डाला हुआ है, तो अभी ये जो भी फ़ोटो क्लिक कर रहा है वो रॉ फ़ोटो होंगी। रॉ फ़ोटो को आपको एडिट करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो रॉ फ़ोटो को प्रोसेस कर सके। इनको आप डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या इवन व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जेपैग में फ़ोटो मिले, क्योंकि जेपैग फ़ोटो को आप डायरेक्टली कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक रॉ फ़ोटो मिलेगा और साथ में एक जेपैग फ़ोटो मिलेगा लार्जेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जेपैग में शूट करना, तो तब आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जेपैग में शूट करना है ताकि आप उसको कहीं भी शेयर कर सकें, तो आप पहले वाला ऑप्शन चूज़ करें। इसमें आपको लार्ज फाइल साइज़ मिलेगा और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। अगर आप इन मीडियम या एस को चूज़ करोगे तो आपको रेजोल्यूशन कम मिलेगा, क्वालिटी कम मिलेगी जेपैग में। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ करो, ठीक है, वरना आप रॉ प्लस एल को यूज़ करो, वरना आप सिर्फ रॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनर हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा पहले वाले ऑप्शन को चूज़ कर लो। जेपैग फ़ोटो को आप डायरेक्टली कहीं भी शेयर कर सकते हो, अपने फ़ोन में भी एडिट कर सकते हो। इस वाली स्क्रीन पे तो हमें ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शन से आप फोटोग्राफी बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, आपको इवन मेनू में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मेनू को ओपन करना है, तो मेनू के लिए आपको यहाँ पे ये बटन मिल जाता है, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले वाले उसमें ऑप्शन में चले जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज क्वालिटी, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली जो स्क्रीन थी वहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो बीप होती है, इसको अगर हम डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं, फिर आपका कैमरा बीप नहीं करेगा। रिलीज शटर विदाउट कार्ड, अगर आप इसको अनेबल कर दोगे तो अगर आपके कैमरे के अंदर SD कार्ड नहीं पड़ा हुआ, फिर भी ये फ़ोटो लेने की कोशिश करेगा, हालांकि फ़ोटो कहीं सेव नहीं होगा। तो आपकी स्क्रीन पे जो आपकी इमेज आती है वो कितने सेकंड के लिए आए, ठीक है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे आप उसकी टाइम को सेट कर सकते हो। जैसे कि आप 4 सेकंड करते हो तो 4 सेकंड के लिए वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। इसको भी आप अनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पेरीफेरल इल्यूमिनेशन, जो आपके कोनों में, लेंस के कोनों में, जो आपका पेरीफेरल विजन में जो लाइट आती है उसको करेक्शन करने की कोशिश करेगा। रेड आई रिडक्शन, इसको भी आप अनेबल कर दो तो आपकी रेड आई नहीं आएगी। फ्लैश कंट्रोल जो है, आप इसको डिसेबल कर दोगे तो फ्लैश आपका काम ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन मिल जाता है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे इसको चेंज करना है। ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर को भी हम देख चुके हैं, हमने इसको स्टैंडर्ड पे रखा था। तो बेसिकली बहुत सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो ऑलरेडी आप इन बटनों के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। मीटरिंग मोड को भी हम देख चुके हैं, हम वाइट बैलेंस को भी देख चुके हैं, ठीक है। कलर स्पेस आपका sRGB रहेगा। पिक्चर स्टाइल को भी हम देख चुके हैं जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। ISO की जो वैल्यू है आप मैक्सिमम कहाँ तक रखना चाहते हैं, अगर आप इसको कम रख देंगे तो कैमरा उस वाली वैल्यू के बियॉन्ड नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आपको लाइव व्यू का जो शूटिंग है उसको अगर आपको अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हैं, अगर आप डिसेबल कर देंगे तो लाइव व्यू में आप शूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लाइव व्यू के अंदर आपका जो ऑटो फोकस मोड है, इसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं, तो आप इसको लाइव मोड पे रखें। फ्लेक्सी जोन AF में आपको एक छोटा सा स्क्वायर मिल जाएगा जिसको कि आप मूव अराउंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। लेकिन आप इसको लाइव मोड में रखें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं जो आपकी स्क्रीन है इसमें आपकी ऐसी ग्रिड लाइन, इसको स्क्वायर लाइन है, ये डिस्प्ले हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता। जो आपकी इमेज है उसका आपका एस्पेक्ट रेशियो क्या हो, मतलब कि उसकी रेशियो मतलब हाइट और विड्थ क्या हो, तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, 16:9, 4:3, 3:2। तो 16:9 काफ़ी सही रहता है, आजकल सबसे ज़्यादा लोग उसी को यूज़ करते हैं। उसके अलावा 4:3 भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको इन इमेजेस को अपनी एक स्क्रीन पे, लैपटॉप पे यूज़ करना है तो उनका भी एस्पेक्ट रेशो
69 रहता है, तो 69 काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको एक मीटरिंग टाइमर मिल जाता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 8 सेकेंड, तो आप इसको 8 सेकेंड पे ही रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक क्रिएटिव फिल्टर, फ़ोन बुक सेटअप, प्रिंट ऑर्डर, इरेज इमेज, ठीक है, प्रोटेक्ट इमेज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। हिस्टोग्राम का जो डिस्प्ले है ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप RGB में देखना चाहते हो या ब्राइटनेस देखना चाहते हो, ठीक है, आप इसको ब्राइटनेस पे कर दो। ये जो इमेज जंप है कि आप कितनी इमेजेस एक बार में जंप करें, उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आप इस वाले को 10 को कर दोगे तो ये एक बारी में पहली इमेज दिखाएगा, फिर सीधे 11वीं इमेज को दिखाएगा। तो इसको 1 पे रखोगे तो एक बार में एक ही इमेज ये जंप करेगा, मतलब फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। उसके अलावा आपको स्लाइड शो, रेटिंग, कंट्रोल ओवर HDMI, ठीक है, आप HDMI पोर्ट के थ्रू इसे कनेक्ट करके कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी आप अनेबल कर सकते हो। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो रोटेट, जब आप कैमरे को ऐसे रोटेट करते हो तो आपकी इमेज भी रोटेट हो जाए, ठीक है, अपने आप कैमरा अगर आइडल है, आप यूज़ नहीं कर रहे तो 1 मिनट के बाद पावर ऑफ हो जाए। फाइल नंबरिंग, कौन से फोल्डर में जाए, स्क्रीन का कलर भी आपको करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको देखो ये वाइट कलर मिल गया, ये आपका ग्रे हो गया, ये आपका ग्रीन हो गया, मेरे को ये ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक वाले को चूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा आपको LCD की ब्राइटनेस, ठीक है, LCD जो है आपकी कब ऑन और ऑफ हो, ये जो आपका शटर बटन है इसको दबाने से ऑन ऑफ हो जाती है, तो ये सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। आपको टाइम जोन, आपकी लैंग्वेज, GPS की सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हालांकि इस कैमरे में GPS नहीं है, लेकिन अगर आप अलग से इसमें GPS डिवाइस लगाते हो तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये जो आपका कस्टम फंक्शन है FN बटन, ठीक है, इसको आपको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, एक्सपोजर लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप अपना इसमें नाम सेट कर सकते हो कैमरे में, तो जब आप इस कैमरे से कोई इमेज क्लिक करोगे तो उसमें आपका नाम भी ऐड हो जाएगा। अगर आपको सारी सेटिंग्स को क्लियर करना है जो भी आपने चेंज की है, तो ये वापस से उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। फर्मवेयर वर्शन, इस कैमरे के अंदर कौन से वर्शन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ये आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप जो जो आप ऑप्शंस फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उन सबको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन या किसी चीज़ को डिसेबल वगैरह करना, तो उन सब मीन्यूज़ को आप अपने इसमें ऐड कर सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उनको एक्सेस करना। कुछ ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तब आपको दिखाई देंगे जब आप इस कैमरे को डालोगे मूवी मोड में। हम इसको डाल देते हैं मूवी मोड में और हम वापस से अब मेनू को खोलेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको अभी डिफरेंट दिखाई देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको यहाँ पे मिल जाती है वो है ये मूवी एक्सपोजर, ठीक है। तो अगर आपने इसको ऑटो पे डाला हुआ है तो आपका कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा क्या शटर स्पीड रखनी है, क्या उसको एपर्चर रखना है, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे मूवी मोड में। तो इसलिए आप इसको डालें मैनुअल मोड में, तब आप अच्छे से मूवी को रिकॉर्ड कर पाओगे, तब आप मूवी में शटर स्पीड, एपर्चर, ये सारी चीज़ें सेट कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप AF मोड को लाइव मोड डाल सकते हो। फिर उसके अलावा ये जो मूवी की रिकॉर्डिंग साइज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैक्सिमम रखें, ठीक है। इस कैमरे में आप फुल HD 30 FPS तक शूट कर सकते हो, तो आप इसको 30 FPS फुल HD में रखें। फिर आपकी साउंड रिकॉर्डिंग है, आप इसको रखें मैनुअल पे, ठीक है। ऑटो पे डाल दोगे तो वो अजीब सी आवाज़ आएगी इस टाइप की जो आती है माइक की, ठीक है, ऑटो पे रखें। और रिकॉर्डिंग लेवल्स को थोड़ा सा आप इसको कम रखें और फिर बाद में आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाके इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। विंड फिल्टर को डिसेबल कर दो, किसी भी ज़्यादा काम का ये नहीं है। बाकी की ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूवी आपको रिकॉर्ड करनी है तो मूवी में आपको कैसे शटर स्पीड और ये सारी चीज़ों को सेट करना है। तो हम देख सकते हैं हमारी ये मूवी, हमारा ये लाइव व्यू इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने शटर बटन को दबाया तो यहाँ पे आपको दिख रही है शटर स्पीड 1/125 दिख रही है, ठीक है। एपर्चर की वैल्यू 3.5 और ये हमारा एक्सपोजर कॉम्पनसेशन और यहाँ पे ISO की वैल्यू 6400 हमें दिख रही है। तो अब मुझे अगर शटर स्पीड को चेंज करना है तो जैसा
मैं फुली मैनुअल मोड में आपको बताया था फोटोग्राफी में, वैसे ही इसमें भी चेंज होगा। ये जो ऊपर में बटन है शटर बटन, देखो मैंने इसको घुमाया, ये देखो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप घर के अंदर शूट कर रहे हैं वीडियो, आप येलो लाइटिंग यूज़ कर रहे हो या कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग, तो आप अपनी जो शटर स्पीड है उसको रखें 1/50, ठीक है, या फिर 100, 50 रखें या 100 रखें, अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं या यूरोप में हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपकी लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह, ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलती हैं। अगर आप कुछ और वैल्यू रखोगे तो आपकी वीडियो में वो अजीब सा फ्लिकर वाला इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो आप 50 रखो या 100 रखो, ठीक है। और रही बात एपर्चर की, एपर्चर की वैल्यू आपको जो मर्ज़ी रखनी है रख लो, जिससे आपको जो बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप कम रखो, कम चाहिए तो उसको ज़्यादा रखो। उसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये वाला बटन दबाना होगा, देखिए AV, इसको दबाया और ये ऊपर वाला डायल घुमा रहा हूँ, देखो एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एपर्चर की वैल्यू को मैंने 4 कर दिया, ठीक। अब अगर मुझे मूवी को स्टार्ट करना है, उससे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे अपना फोकस लॉक करना होगा। अगर मैंने अपना फोकस लॉक नहीं किया तो एक बार हमारी मूवी स्टार्ट होगी, उसके बाद में फोकस को चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मूवी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे फोकस लॉक करना होगा। तो ये सामने जो गिटार है मैं इसके ऊपर फोकस लॉक कर देता हूँ, देखो ये ग्रीन हो गई डॉट, यानी कि अब मेरा फोकस इस गिटार पे लॉक हो गया है। तो अब मैं मूवी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी रेड कलर की डॉट यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हमारी मूवी स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर अब आपको फोकस को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आप नहीं कर सकते, देखिए, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो उसका एक ही ऑप्शन है, आप अपने लेंस को, ये जो AF MF का स्विच है, आप इसको MF पर डालें, यानी मैनुअल फोकस पे, और मैनुअली फोकस करें ताकि आपका फोकस पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें तो उससे पहले जिस चीज़ की आप वीडियो बनाने हैं उसका फोकस लॉक कर लें और फिर इस बटन को दबाएं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो आप इस बटन को वापस से दबाएं, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बटन जो आपने देख ही लिया होगा, ये डिस्प्ले। तो किसी भी वक्त अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्क्रीन पर, तो आप इस डिस्प्ले बटन को दबा दें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पर। देखिए बैटरी लाइफ और ये क्या सेटिंग्स है, एपर्चर की वैल्यू, शटर स्पीड, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आप इस क्यू वाले बटन को भी दबा सकते हैं, ये जो डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं मूवी के लिए, जो कि हमने मेनू के अंदर से चेंज किए थे, उनको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस क्यू बटन को दबाया तो यहाँ पे मेरे को ऑटो फोकस मोड को चेंज करने का ऑप्शन मिल गया, फ्लैक्सी जोन, AF लाइव, AF क्विक, ठीक है। फिर ऑटो वाइट बैलेंस पे मैंने इसको डाला हुआ है, तो वाइट बैलेंस को चेंज करने का ऑप्शन भी मिल गया। ये हमारा हो गया पिक्चर स्टाइल, जो आपके फिल्टर्स होते हैं, इसको मैंने ऑटो पे डाला हुआ है। ये आपका लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र हो गया। और यहाँ पे मूवी का साइज़, हमने इसको 30 फ्रेम पर सेकंड में शूट किया है फुल HD में। ISO की वैल्यू भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ से चेंज करने का भी ईजी ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत ही ईजी टू यूज़ कैमरा है गाइस। अगर आपके पास ये कैमरा है तो आप बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकते हो, बहुत ही अच्छी आप इससे फोटोग्राफी कर सकते हो। एक परफेक्ट कैमरा ये आपके लिए रहेगा, काफ़ी चीपली आपको मिल जाता है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये कैमरा है तो आप इसको पूरी तरीके से चलाना सीख जाएंगे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों के मोटिवेशन से मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकूं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।